हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ये जो जितना आइटम है यहाँ पर मैं बनाऊंगी, इसको छोड़ के ये है तैयार, ये है स्लीपिंग टैबलेट, इसके बाद में है ये ड्रम स्टिक जो मैंने कल ही, ये सबको मैंने कल ही स्ट्रीट वेंडर लोग से मैंने खरीद के लेके आया था। और ये सब पूरा ऑर्गेनिक है, यहाँ पे तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही मिलते हैं जो वेजिटेबल है, और इसे हम लैंग्वेज में बोलते हैं रापिक, तो रापिक सब्जी, पर मुझे नहीं पता कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसे। और ये है पानी सब्जी, इसको मैं मुझे पता नहीं इसी डायलॉग में ऐसे क्या कहते हैं। और ये है हलवा सब्जी, इसका तो रेसिपी मैंने शेयर किया था, आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो पे। तो आज मैं इसको बनाऊंगी, ये जो रापिक सब्जी, इसको मैं फ्राई करूंगी आलू के साथ बनाऊंगी मैं, और इसे तो मैं सिंपल ग्रेवी बनाऊंगी ग्रेवी में, और मैं इसकी करी बनाऊंगी, और मैं सिंपल फ्राई करूंगी। आज बहुत सारा आइटम मैं बनाऊंगी, स्टे ट्यून गाइस, जो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये जो रापिक सब्जी है इसे किस तरह से साफ किया जाता है। ड्रम स्टिक को तो आप सब जानते होंगे, ये रापिक सब्जी है, मैं इसे पहले आपको दिखाऊंगी साफ करके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और ये सिंपल रेसिपी होगा, तो मैं अभी इसे साफ करके आपको दिखाऊंगी। तो टाइम देखेंगे इसे साफ करना, और इसे मैं फ्राई करके खाऊंगी, इसे बॉइल करके भी आप खा सकते हैं, मैंने बहुत अच्छा होता है। तो देख सकते हैं अंदर में इस तरह का होता है, इसे आपको तरह से काट के बनाना होगा, इसे आप हाथ से धो सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है। वेज थाली बन रहा है घर संडे लंच। सो मिलते हैं आपको ये सब साफ करने के बाद में, मैं सब सब्जी को काट के रख के आपको एक एक करके उसका रेसिपी दिखाऊंगी मैं किस तरह से बनाती हूँ, इसमें क्या क्या मैं इंग्रीडियंट यूज करूंगी। तो फाइनली मैंने सब्जी को काट के, सब सब्जी को मैंने धो के रख दिया है। ये है रापिक सब्जी जो मैंने आलू भी इसमें काट के रख दिया है, मैं आलू और इसको डायरेक्टली एक साथ में ही बनाऊंगी। और ये है ड्रम स्टिक, इसे भी धो के रख दिया है। और ये है हलवा सब्जी, और ये पानी सब्जी। अभी मेकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अभी रापिक सब्जी बनाऊंगी, उसका करी बनाऊंगी मैं। तो मैंने कढ़ाई भी रख दिया है, तो होने देंगे, उसके बाद में मैं तेल डालूंगी इसमें। तो कढ़ाई में जो पानी था वो भी सूख गया है, तो मैं अब इसमें सरसों का तेल डालूंगी, मस्टर्ड ऑयल। मुझे थोड़ा ऑयली ज़्यादा खाना पसंद है, इसलिए मैं तेल थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। और आई बताया वो पर्सन जो खाना से ज़्यादा, राइस से ज़्यादा मैं सब्जी खाती हूँ, तो उसे गर्म होने देंगे। तो आप देख सकते हैं तेल भी गर्म हो गया, तो मैं इसमें अभी प्याज डालूंगी। तो आप देख सकते हैं ये हल्का ब्राउन हो ही गया है, तो मैं अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगी, थोड़ी पकने देंगे, उसके बाद इसमें मैं मसाले डालूंगी। इससे पहले हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, तो हल्का सा ये कसूरी मिर्च कलर के लिए। मैं इसमें मिर्च नहीं डालूंगी, ग्रीन चिली मैंने डालूंगी, क्योंकि मेरी बेटी खाएगी तो मैं इसे स्पाइसी नहीं बनाऊंगी, पर जो ड्रम स्टिक है मैं इसे बहुत ही स्पाइसी बना के खाऊंगी। ओके, आलू को मैंने क्यूब्स में काटा है, आप इसे लंबा लंबा काट के भी इसे थाल के बना सकते हैं। रोटी सब्जी की जो बॉइल में भी बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। तो इसमें नमक, तो अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको एक एक करके रेसिपी दिखाऊंगी, मैं एक साथ नहीं बनाऊंगी, तो इसमें रोटी सब्जी बनाने के बाद में मैं ड्रम स्टिक बनाऊंगी। तो इसमें ढक्कन कटी हुई है कढ़ाई जो मैंने अपनी मम्मी के वहाँ से लेके आया, मम्मी से बोल के कढ़ाई को बीच बीच में चेक करती रहूंगी। एक्चुअली मैंने सोचा था, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगी सब्जी जो मैं बना रही हूँ उसका, पर आई थिंक इट विल बी अ लॉन्ग, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं तो रापिक सब्जी पकी रहे, तो मैं जो एक चूल्हा खाली है उसमें मैं बनाऊंगी ड्रम स्टिक को बनाऊंगी। ड्रम स्टिक है उसे बनाने के लिए कढ़ाई बैठा दिया है, तो यहाँ में जो पानी था कढ़ाई पे वो सूख गई है, उन डालूंगी। तेल को गर्म होते रहने दीजिए, तब तक के लिए मैं जो रापिक सब्जी उसे हिलाऊंगी अच्छी तरह से। जब ये आलू हाफ पक जाएगा तब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, और लास्ट में धनिया थोड़ा सा डालूंगी इसमें। देख सकते हैं तेल भी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें अभी प्याज डालूंगी, और ये है ग्रीन चिली, तो मैं स्पाइसी बनाऊंगी तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। और इसमें भी मैं सेम मसाला ही यूज करूंगी, डालूंगी हल्दी, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, अच्छी तरह से लाऊंगी मैं। अपने इसमें टमाटर ऐड करूंगी, ड्रम स्टिक तो बहुत ही स्पाइसी बनेगा, क्योंकि मैंने इसमें 5 मिर्च डाला है हरी मिर्च।
इसमें नमक डालूंगी और इसे ढक्कन लगा के इसे पकने दूंगी। इसी तरह से डालेंगे, इसे पकते रहने देंगे। तब तक के लिए मैं जो मेरा ये रबी सब्जी है मैं इसे चेक करूंगी। इसका स्मेल बहुत ही टेस्टी होता है, पता नहीं मुझे बहुत पसंद है इसका स्मेल, और जब इसे खाते हैं तो इसका जो एक टेस्ट होता है मुझे बहुत पसंद है मुझे। थोड़ी देर इसे और पकने दूंगी। इसके बाद टमाटर ऐड करूंगी यहाँ पे। आलू भी पक गया है तो मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। अभी टमाटर को भी मैं थोड़ी पकने दूंगी डाल के, उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। ऊपर से भी चेक करूंगी। आप देख सकते हैं ये टमाटर भी पक गया है, तो मैं अब इसमें पानी ऐड करूंगी। मैं इसकी करी बनाऊंगी तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल रही हूँ, इसे अच्छी तरह से उबालने देंगे। मैं इसमें नमक ऐड करूंगी अभी, तो अभी इसे अच्छी तरह से उबालने देंगे। ड्रम स्टिक को चेक करूंगी तो मैं इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। थोड़ा हार्ड है तो इसे पकने के लिए टाइम लगेगा ना इसे पकाने से, तो इसमें थोड़ा पानी डाल के मैं इसे पकने दूंगी। तो मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो मैं अब इसमें जो ड्रम स्टिक है इसमें मैं अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगी। एक्चुअली फर्स्ट में मैं डालने भूल गई थी, दो दो एक साथ बनाती हूँ तो भूल जाती हूँ, लास्ट में डाल रही हूँ, ऊपर भी इसका टेस्ट अच्छा ही होता है खाने के लिए। तो मैं अब इसको चेक करूंगी। तो इसका पानी को मैं थोड़ा और कम होने दूंगी। इसके बाद मैं इसमें धनिया डालूंगी और मैं बंद कर दूंगी इसे। धनिया डालूंगी, तो मैं अब इसे बंद कर दूंगी। ये हो ही गया है, ड्रम स्टिक को चेक करूंगी। इसका पानी को मैं ड्राई होने दूंगी। कलर तो बहुत सुंदर है, ये रबी सब्जी हो गया। तो मैं जूले में मैं बनाऊंगी जो पानी वाला साग है मैं उसे बनाऊंगी। मैं इसमें अब तेल डालूंगी, तो तेल भी गर्म हो गया है तो मैं इसमें लहसुन को डालूंगी। मैं बस मैं एक मिनट डालूंगी इसमें अच्छे से पानी साग। थोड़ा सा हल्दी डालूंगी मैं, नमक, क्योंकि जो पानी साफ है इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने के लिए। ये हो ही गया है तो मैं इसे बंद कर दूंगी। अभी जो ड्रम स्टिक है इसका पानी भी सूख गया है तो मैं इसे भी बंद कर दूंगी अभी। सो फाइनली लंच रेडी हो गया है, मैंने बना लिया है जो जो सब्जी मैं बनाऊंगी बोल के आपको बोला था आपको। तो अभी और मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया है क्योंकि मैं अपनी बेटी को नहा दिया था, तो जब उसको नहा देते हैं तो पूरा मैं कुत्ती भीग जाती हूँ, तो इसे मैंने चेंज कर लिया है। तो अब हम लोग लंच करेंगे, तो आप देखते रहिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी खा के। सो दिस इज आवर बहुबली थाली।
हाँ चलो मैम, वीडियो को यहाँ पे ही रखते हैं। पूरा येलो येलो हो गया उसका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वक्त पे।